हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे टीवीएस की अपकमिंग बाइक्स के बारे में। एंड इन सभी बाइक्स के अंदर आपको क्रूजर कैटेगरी की बाइक, नेकेड और एडवेंचर कैटेगरी की बाइक भी आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो टीवीएस इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने जा रहा है। एंड आज की डेट पे टीवीएस का सेल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है, क्योंकि भाई लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शन ऐड हो चुका है। जैसे कि अगर कोई 160 सेगमेंट के अंदर बाइक लेना चाहता है तो उनके पास हीरो एक्सट्रीम 160 R4B, NS160 एंड 160 जैसे बाइक अवेलेबल है, जहां पर आपको फीचर्स ड्यूअल चैनल ABS UHD सस्पेंशन मिल जाता है। वहीं पर टीवीएस अपाची आर्टियर 164B के अंदर ये सारे ऑप्शन ना होने के कारण टीवीएस का सेल डाउन हो रहा है। बट जब ये टॉप 5 बाइक्स इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे टीवीएस लॉन्च कर देगा, तब भाई टीवीएस की सेल फिर से ग्रो करेगा, दूसरे बाइक कंपनी फिर से पीछे रह जाएगा टीवीएस के कंपैरिजन में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आता है टीवीएस फियरो। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे टीवीएस अपनी फर्स्ट रेट्रो कैटेगरी की बाइक को लॉन्च करने जा रहा है, वो भी 125 सेगमेंट के अंदर। 80,000 बाइक की एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए 120,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस हो सकता है। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं आया है टीवीएस की ओर से, बट आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। दोस्तों बात किया जाए इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, 125 सेगमेंट की बाइक है। यहाँ पर 13.5 bhp पावर, 12.5 न्यूटन ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 valve की बाइक है, जो ऑयल कूल वेस्ट 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आएगा। ओवरऑल लुक्स की अगर बात किया जाए तो इस बाइक की फ्रंट पर यूज किया गया है 180 सेक्शन की ब्लॉक पैटर्न की टायर, रियर पर 130/70 सेक्शन की टायर यूज किया गया है। ये एक रेट्रो कैटेगरी की बाइक है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न की टायर यूज किया गया है। ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइस के अकॉर्डिंग बाइक के अंदर टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बाइक की फ्रंट पर राउंड शेप टाइप की हेड लैम्प नोटिस कर सकते हो, जो LED के साथ मिल जाता है। रियर पर टेल लैम्प आपको LED के साथ मिल जाता है। राउंड शेप टाइप की इंडिकेटर्स यहाँ पर LED के साथ ही मिलता है। इस बाइक के अंदर जो मीटर कंसोल यूज किया गया है वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जो डिजिटल के साथ आता है एंड राउंड शेप टाइप के साथ, जहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स से नेविगेशन के ऑप्शन है। एंड टीवीएस की फेवरेट यहाँ पर मोड्स भी ऑफर किया जा रहा है, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड। इस बाइक के अंदर जो सीट यूज किया गया है वो सिंगल सीट ही आ रहा है। अंदर आपको दोस्तों लगभग 50 km की माइलेज मिल जाएगा। FI टेक्नोलॉजी के साथ इंजन आ रहा है। उसके ऊपर बाइक के अंदर आपको 2 valve की इंजन देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको लगभग 50 km की माइलेज मिल जाता है 120 km/h की टॉप स्पीड के साथ। अब बात करते हैं इस बाइक को कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा, तो 2023 पे अक्टूबर के महीने के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 2 पर आता है टीवीएस क्रियोन। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है टीवीएस का, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे 2023 की अक्टूबर के महीने के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस की अगर बात किया जाए 120,000 के आसपास हो सकता है। अब बात किया जाए स्कूटी की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर से आया है, दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। बेन यहाँ पर यूज किया गया है 12,000 की मोटर्स, जो एक बार चार्ज करने पे 80 km तक आपको रेंज प्रोवाइड करता है। स्कूटी के अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ आपको सिंगल चैनल ABS भी ऑफर किया जाएगा। सुपर वाइड टायर भी यूज किया गया है। बाइक की जो मीटर कंसोल है वो काफी फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पर ब्लूटूथ नेविगेशन तो ऑप्शन होगा ही होगा, इवन यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन है। नंबर 3 पर आता है टीवीएस अपाची RTR 310R। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे जैसे KTM 390 RC के पास 390 ड्यूक अवेलेबल है, सेम टीवीएस के पास 390 एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है। एंड इसका एक नेकेड कैटेगरी वर्जन भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा टीवीएस की ओर से, जहां पर काफी सारे एडवांस फीचर्स आप लोग नोटिस कर सकते हो। जैसे कि फ्रंट पर 110/70 सेक्शन की सुपर वाइड टायर, 37mm की USD सस्पेंशन, वो भी गोल्डन कलर के साथ। फ्रंट पर प्रोजेक्टर हेड लैम्प होगा दोनों, विद DRL आपको इंडिकेटर्स के साथ देखने को मिल जाता है, जो LED के साथ ही मिलता है। एंड इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS का भी सेटअप होगा। रियर पर 150/60 सेक्शन की सुपर वाइड टायर यूज किया गया है 240mm डिस्प्ले के साथ। फ्रंट पर 300mm की डिस्प्ले आप लोग नोटिस कर सकते हो। इस बाइक के अंदर स्प्लिट सीट दिया जाएगा एंड बाइक के अंदर जो मीटर कंसोल होगा वो काफी फ्यूचरिस्टिक होगा, यानी कि जो 310 की मीटर कंसोल है, सेम मीटर कंसोल 310 की नेकेड वर्जन पर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों जहां पर स्मार्ट कनेक्टिविटी की फीचर्स, ब्लूटूथ नेविगेशन ऑप्शन तो होगा ही होगा, इवन यहाँ पर मोड्स भी आप लोग नोटिस कर सकते हो। इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच की ऑप्शन होगा, क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन होगा। दोस्तों
सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर वाल्व के साथ लिक्विड कूलिंग के साथ आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर जो पावर की बात किया जा रहा है वो 34 BHP की हो सकता है 27 Nm टॉर्क के साथ। अब बात किया जाए इस बाइक की प्राइसेस के बारे में, एक्सोरूम प्राइस की अगर बात किया जाए 1,99,000 इंडियन ट्वेलर मार्केट पे इस बाइक की एक्सोरूम प्राइस होगा। ऑन रोड लगभग आपको 2,50,000 के अराउंड आसपास देखने को मिल सकता है। एंड ये बाइक नवंबर की 2023 पर लॉन्च किया जाएगा, ये TVS की ओर से कंफर्मेशन आ चुका है दोस्तों। सो आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके डेफिनेटली बताना। नंबर 4 पर आता है TVS Apache RTR 164B की अपडेट एंड चेंजेस मॉडल। इंडियन ट्वेलर मार्केट पे रिसेंटली बहुत सारे बाइक कंपनी अपनी बाइक के ऊपर अपडेट एंड चेंजेस दे रहा है, जैसे की हीरो एक्सट्रीम 160R4V, NS160 के ड्यूल चैनल ABS, इसी तरह Apache 164B अगर अपनी बाइक्स के अंदर अपडेट एंड चेंजेस नहीं देगा तो इसकी सेल भाई डेफिनेटली डाउन होगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर UST सस्पेंशन एंड ड्यूल चैनल ABS का कमियां बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। इवन इसी की सेगमेंट के अंदर जैसे कि हीरो एक्सट्रीम 160R जहां पर आपको UST सस्पेंशन एंड NS160 पर आपको UST सस्पेंशन एंड ड्यूल चैनल ABS का भी सेटअप मिल जाता है। नो डाउट TVS Apache RTR 164B के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है वो बहुत ही बढ़िया है, इवन इस और कई मोड्स देखने को नहीं मिलता है, बट TVS Apache RTR 164B के अंदर आपको 3 मोड दिया गया है, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड, जो कि आपको दूसरे 160 सेगमेंट के अंदर नहीं देखने को मिलता है। बट इस बाइक के अंदर UST सस्पेंशन एंड ड्यूल चैनल ABS का सेटअप अगर आ जाता है तो इस बाइक को लोग काफी ज्यादा पसंद कर सकता है, क्योंकि अभी तो इसका सेल भाई डाउन हो रहा है हीरो एक्सट्रीम 160R एंड NS160 के कारण। नंबर 5 पर आता है TVS की फर्स्ट एडवेंचर कैटेगरी की बाइक, जो कि इंडियन ट्वेलर मार्केट पे 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा एंड ये 2024 की जून तक लॉन्च हो जाएगा। ये TVS की ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एंड ये 2 सेगमेंट के साथ ही आएगा इंडियन ट्वेलर मार्केट पे। फर्स्ट होगा 160 सेगमेंट के अंदर एंड दूसरा 310R की सेगमेंट के अंदर, यानी कि 310 की एक स्पोर्ट्स मॉडल होगा, एडवेंचर मॉडल होगा एंड एक नेकेड मॉडल होगा। उसी की तरह आपको 160 सेगमेंट के अंदर एक नेकेड मॉडल अवेलेबल होगा एंड दूसरा होगा ये एडवेंचर कैटेगरी की मॉडल। इस बाइक के अंदर आपको लगभग 16 BHP की पावर मिल सकता है, जहां पर आपको 16.5 Nm टॉर्क देखने को मिल जाता है। सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर वाल्व के साथ ही आएगा, बट ये यारन ऑयल कूल्ड हो सकता है क्योंकि 160 सेगमेंट के अंदर आ रहा है। अभी तो कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं आया है, कि सिर्फ यही कंफर्म हुआ है कि 160 सेगमेंट के अंदर एंड 310 सेगमेंट के अंदर 2 वेरिएंट एडवेंचर कैटेगरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं इस बाइक की प्राइसेस के बारे में, जो 160 सेगमेंट के अंदर आएगा इसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,50,000 एंड ये लॉन्च होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करके। एंड इस बाइक की फ्रंट पर 180 सेक्शन की टायर यूज किया जाएगा, रियर पर लगभग आपको 130/70 सेक्शन की टायर मिलेगा, बट ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल ABS भी आपको इस बाइक के अंदर ऑफर किया जाएगा, क्योंकि एक एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है जिसके कारण ड्यूल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूल चैनल ABS आपको मिल जाता है। इस बाइक की फ्रंट पर आपको LED हेड लैम्प मिलता है जो राउंड शेप टाइप के साथ आएगा, रियर पर LED टेल लैम्प, LED इंडिकेटर्स मिल जाता है। बाइक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल यूज किया जाएगा, जहां पर 3 मोड, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड जो 160 सेगमेंट के अंदर आता है, वही सेम फीचर्स आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, इवन इस बाइक के अंदर आपको UST सस्पेंशन भी ऑफर किया जाएगा दोस्तों। रियर पर मोनोशॉक सस्पेंशन यूज किया जाएगा 140 सेक्शन के टायर के साथ, 45 km तक माइलेज आप लोग इजीली पा सकते हो इस बाइक के थ्रू। अब बात करते हैं 310 एडवेंचर के बारे में, 310 के एडवेंचर की जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक कुछ रिफिल नहीं हुआ है, कब तक लॉन्च होगा वो भी कंफर्म नहीं है, बट 2024 में आपको 160 सेगमेंट के अंदर ये एडवेंचर बाइक इंडियन ट्वेलर मार्केट पे मिल जाएगा दोस्तों। सो आप अगर इस बाइक के बारे में थोड़ा सा एक्साइटेड हो कमेंट करके डेफिनेटली बताना दोस्तों। आज का ये वीडियो बस यही तक था, आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपनी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।